नमस्कार न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं जूनियर्स डॉक्टर के, जो भविष्य में अपने क्लिनिक पर अस्पतालों में नजर आने वाले हैं, उनके क्या हाल हैं। अभी एक कोलकाता में एक हृदय विदारक घटना हुई है जिसके अंदर एक डॉक्टर के साथ में गैंगरेप जैसी बात सामने आई है। उसके बाद से सभी डॉक्टर्स जो हैं वो न्याय की गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो ये लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्सों के क्या हाल हैं ये भी हम जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आकाश वर्मा है, मैं JDA वाइस प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर आकाश जी, क्या हाल हैं आप लोगों के भी? अभी तो हाल ठीक नहीं है, क्योंकि हाल इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि हमारी जो फीमेल कलीग थी उसके साथ बंगाल में इतनी बर्बर हत्या की गई, उसकी रेप करके, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। उसके बाद दो और हमारी साथी कलीग के साथ भी सेम यही कांड दोबारा दोहराया गया है। सरकार द्वारा कोई भी उसके लिए कोई कड़े से कड़े आरोपियों को पकड़ा नहीं गया, उनको सजा नहीं मिली है। और पकड़ने की बात तो दूर है, जो जो एविडेंसेस थे उनको भी मिटाया गया है पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा। 1 से 1.5 हज़ार गुंडे भेजकर पूरे सेमिनार रूम जहां पर उसका रेप किया गया, जहां पर उसकी हत्या की गई, पर पूरे एविडेंसेस मिटा दिए गए हैं। तो जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हमारी बहनों को, और अभी ये केवल एक फीमेल रेसिडेंट की बात नहीं रह गई है, बात ये है कि वहाँ पे अभी तक कोई भी फीमेल सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। और जब तक देश में कोई भी फीमेल अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, देश विकासशील ही बना रहेगा। और मैं तो कहता हूँ विकासशील हम हैं, उससे और नीचे लेवल पर चले जाएंगे। जब तक देश में फीमेल सुरक्षित नहीं रहेगी, देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि किस तरीके के कड़े कानून की आवश्यकता आप आज महसूस करते हैं एज ए डॉक्टर, वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों के साथ घटना तो हो सकती है? घटना बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग काम करते हैं, कैजुअल्टी में आप जाके देखिए, वहाँ पे भी कोई इतने सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं रहते हैं। जब 24 से 36 घंटे की नाइट ड्यूटी करके हम लोग आते हैं, तो कोई फीमेल मेल का स्पेसिफिक DDR जो ड्यूटी रूम होते हैं जहाँ पर रेस्ट करते हैं, वो भी कोई प्रॉपर नहीं है। ना वाटर सप्लाई है, ना प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। ICUs जो रहते हैं उसमें भी एक गार्ड्स रहता है जो इनसफिशियंट है। कई बार इतने लोग आते हैं ICU में जो, और कैजुअल्टी में जो केवल न्यूसेंस क्रिएट करने आते हैं, ड्रंक कंडीशन में आते हैं। मेल डॉक्टर्स का ठीक है, बट फीमेल डॉक्टर्स हाईली अनसेफ रहती है उस कंडीशन में। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, केवल पेपर पे नहीं, उसको मतलब पूर्णतः इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि पेपरबाजी पहले बहुत हो चुकी है, अब वक्त है इम्प्लीमेंटेशन का। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, फीमेल डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेंगे, मेल डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेंगे। और कोरोना काल में भी जैसे आपने देखा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हम लोगों ने सबकी जान बचाई है, पर यदि हम खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश को कौन संभालेगा? एक ज़माना था जब डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता था, भगवान ही आज सुरक्षित नहीं है। और भगवान को भी राक्षस को मानने के लिए समय समय पर अवतार लेना पड़ा है। तो हम लोगों ने भी आज प्रोटेस्ट किया है, आगे और उग्र रूप होगा यदि हमारे डॉक्टर्स को इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा यही सरकार से निवेदन है, तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, क्या हाल हैं आपके? मुझे लगता है कि मेरे हाल पूछने के बजाय शायद आई थिंक पूरे देश के हाल पूछे जाने चाहिए। अगर आज एक महिला डॉक्टर, देखिए दो चीज़ें हैं, महिला डॉक्टर बोलकर मैं इस चीज़ को शायद कम आंक रहा हूँ, एक महिला बोलना चाहिए, एक महिला का इतना बुरी तरह से रेप करके और उसका मर्डर किया गया, और आज अगर पूरे देश के हाल अगर नॉर्मल हैं तो सभी को अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपके हाल नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। तो ये अभी तक हर जगह यही हो रहा है कि डॉक्टर 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 महिला डॉक्टर, ये नहीं है। आप सबसे पहले पूरे समाज को आगे आना होगा। ये एक महिला की सुरक्षा की बात है, महिला के साथ हुए मतलब एक निर्मम हत्या और रेप की बात है, इसके अगेंस्ट पूरे देश को एक साथ आना पड़ेगा। अभी तक हम डॉक्टर्स ही आगे आए हैं क्योंकि वो डॉक्टर्स फैटर्निटी से थी, पर मैं इस मीडिया के द्वारा पूरे देश से अनुरोध करता हूं कि आप लोग आगे आएँ। इस तरीके से सिर्फ डॉक्टर्स डॉक्टर्स काम करेंगे या डॉक्टर्स एक आंदोलन करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक शायद मुझे लगता है किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, तो पूरे देश की महिलाओं को, पूरे देश को पूरे आगे आना होगा। क्या आप जब OPD में काम करते हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया, और आई थिंक ये डिमांड आज की नहीं है, ये डिमांड बहुत पहले की है। ये डिमांड हम लोग काफ़ी समय से करते आ रहे हैं कि एक डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रली बनाना चाहिए, जिससे कि सभी लोग अपने वर्क प्लेस पर सेफ फील कर सकें। ये डिमांड बहुत पुरानी है, पता नहीं कोई भी सरकार इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहती इस आंदोलन के जरिए। ये दूसरा मुद्दा है हमारा, पहला मुद्दा ऑफकोर्सली महिला जिसके साथ बुरा हुआ है उसके लिए एक अपील है सभी से कि सब लोग आगे आएँ और उसके लिए न्याय मांगें, और दूसरा डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट का सभी डॉक्टर्स हम लोग मिलकर
पुरजोर अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग इसको अप्लाई करें सेंट्रल से। बिल्कुल, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट जरूर लागू होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर नम्रता शर्मा। नम्रता मैम, जब से ये घटना सामने आई है परिवार में भी एक डर का माहौल बन गया होगा, लगातार फोन कॉल परिवार के कहाँ हैं कैसी हैं, इस जानकारी ली जाती होगी? अब बिल्कुल नहीं ली गई, बिल्कुल नहीं ली गई। हमारे परिवार से बिल्कुल भी नहीं पूछा गया कि आप कैसे हैं। केवल मेरे मदर फादर, जिन्होंने कल प्रोटेस्ट में भी हेल्प करी, आए थे मेरे मदर फादर भाई बहन, दूर के बहुत सारे रिश्तेदार और कई लोग ऐसे जो पेपर भेज देते थे, मुझे ये दवाई बता दीजिए, है ना मैम मुझे। और कोविड में तो लोगों ने हमें लाइक पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया था। कोविड से हम लोगों को बाहर लेकर आए, और जो ये घटना हुई है इसको क्यों बार बार डॉक्टर डॉक्टर महिला, वो डॉक्टर महिला से पहले तो महिला है ना, क्यों दुनिया में लोगों को ये? अगर आज किसी भी नॉर्मल महिला के साथ ऐसा होता तो क्या जनता सामने नहीं आती? केवल उसके नाम के आगे एक डॉक्टर का टैग लग गया है तो क्या वो सारे समाज से अलग हो जाती है क्या? मेरी तो जनता से बस एक ही अपील है कि आप फ्रंट लाइन से लड़ो ना, हमको अपनी ओपीडी शट डाउन करके, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इमरजेंसी बंद करके, जो हमारा मतलब हम पढ़ने आए थे यहाँ इलाज कर, डॉक्टर का मेन उत्तरदायित्व क्या होता है? इलाज करना ना। हमको आज मजबूरी बस सारा इलाज छोड़ के अपनी एक महिला के लिए लड़ना पड़ रहा है। मतलब डॉक्टर छोड़िए, हम एक महिला के लिए, हम समाज में क्रांति लाना चाहते हैं रेप के अगेंस्ट, महिला उत्पीड़न के अगेंस्ट, वो हम क्यों लड़ रहे हैं? हमारी समाज क्यों नहीं लड़ रहा? फ्रंटलाइन वर्कर तो हमारी पब्लिक को होना चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए, हमारे मिनिस्टर्स को होना चाहिए, वो भी क्रांति हम ही डॉक्टर लाएंगे क्या? मतलब हम अगर कोविड आता है तो हम देश के लिए सुरक्षा कर्मियों की तरह काम करें। आज देश में गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, मतलब महिला के साथ महिला उत्पीड़न हो रहा है हर जगह पर, तो उसके भी फ्रंटलाइन वर्कर क्या डॉक्टर ही बनेंगे? ये काम तो पूरे समाज का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये क्रांति हम क्यों ला रहे हैं? समाज क्यों नहीं ला रहा इस क्रांति को? लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आती तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जरूर फीमेल्स के अंदर बनता है। बिल्कुल बनता है। आप एक बात बताएं, ये कितना शर्मनाक है कि एक वर्क प्लेस जहाँ हम अपने आप को इतना सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, अगर वहीं पर एक डॉक्टर की गैंगरेप करके मर्डर कर दिया जाएगा तो आप हमसे कैसे उम्मीद करते हैं कि हम अपनी नाइट ड्यूटी सर्व करें? और उसमें आप हमें फिर दर्शाना चाहते हैं कि एक डॉक्टर का दर्जा भगवान का होता है तो आप नाइट ड्यूटीज़ भी करें? तो ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी पर पहले ध्यान देंगे। अगर हम सेफ एंड सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं अपनी वर्क प्लेस में तो आप हमसे ना भगवान बनने की ना हमारी ड्यूटी सर्व करने की बिल्कुल उम्मीद ना करें। द मैसेज इज वेरी क्लियर, इफ देयर इज नो सेफ्टी वी कैन नॉट सर्व आवर ड्यूटी। इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता जरूर चिंतित होते हैं। आप नाइट ड्यूटी अभी भी करी रही होंगी, आगे भी हो सकता है करना पड़े, लेकिन अगर कड़ा कानून नहीं बनता है तो ऐसे में कैसा परिवार में भी डर का माहौल रहेगा? आप में तो रहेगा ही। बिल्कुल रहेगा। आप उम्मीद कीजिए ना कि एक दूसरे शहर में अगर आप आकर अपना प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं और घर पर जो आपके माता पिता हैं उनमें कितना डर रहेगा कि बच्ची सेफ है सिक्योर है। बहुत बार हम अपनी फैमिली को नहीं बताते हैं कि हम रात में निकल रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, या सड़कों पर हैं, या कैजुअलिटी में हैं जहाँ इतने क्रिटिकल पेशेंट से हम डील कर रहे हैं। पेरेंट्स को हम नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हादसे होने के बाद आप बताइए कौन से माता पिता अपने बच्चे को दूसरे शहर में भेजेंगे प्रोफेशन परस्यू करने के लिए या ड्यूटी करने के लिए? परमिशन देंगे या सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे? उनके दिल में क्या चल रहा होगा ये तो वो भी नहीं बता पाएंगे ना आपको। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तभी क्यों हम लोग जागते हैं, क्यों पहले नहीं खड़े होते हैं कि हम हमारी सुरक्षा के लिए बात करें, सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ें? लगातार हम डॉक्टर्स के देखते हैं, आंदोलन होते हैं, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए जब आंदोलन कर रहे हैं जब किसी प्रकार की घटना हुई? हमने हमारी सुरक्षा के लिए पहले भी आंदोलन किए हैं। आज 10 साल पहले जब निर्भया कांड हुआ था तब सब 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 पूरा देश जागरूक हो गया था, लेकिन जब डॉक्टर के साथ कुछ होता है तब डॉक्टर्स को ही खड़ा होना पड़ता है। क्यों क्यों प्रशासन सरकार की हमारा साथ नहीं दे रही? आज हमारी कोई खुद से इच्छा नहीं है कि हम OPD बंद करें, हम रूटीन सर्विसेज बंद करें, लेकिन आज सरकार हमारा साथ नहीं दे रही। आज CBI की जाँच अभी भी पेंडिंग है, अभी भी हाईकोर्ट में पिटीशन डाला गया है और कुछ उस पर कार्रवाई हो नहीं रही है, इसलिए हम विवश हुए है कि हम अपने OPD सर्विसेज बंद करें। सुरक्षा के लिए पहले भी हम मांग करते हैं, हमने डीन से भी मांग की है कि कॉलेज में भी कोई भी अगर सुरक्षा के लिए कोई भी सेफ कोई अनसेफ प्लेसेस है अगर कॉलेज में या कोई भी चीज़ें हैं वॉचमैन वगैरह जो भी हमने मांगे की है, और डीन सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो उन मांगों पर जल्द से जल्द वो देखेंगे और कुछ भी अगर
प्रॉब्लम्स रहेंगी वो ज़रूर सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी जो मेन मुद्दा है कि उस महिला डॉक्टर को जिनके साथ इतना क्रूरतापूर्वक बलात्कार हुआ उनको न्याय मिले और जस्टिस प्राप्त हो, और इसके बाद ही हम सबके मन में जो क्रोध है जो आगे वो शांत होगी। बिल्कुल, न्याय जरूर मिलना चाहिए, अपराधियों को सख्त सजा भी मिलना चाहिए, लेकिन मैम क्या लग रहा है कितना डर का माहौल रहता है जब इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं? जब इस तरह की घटना होती है ना, पहली बात तो ये बात हम सबको पता है, हमारे माता पिता को भी पता है, हमारे डॉक्टर साथियों को भी पता है कि महिला के लिए एनवायरनमेंट कितना असुरक्षित है। जब ये रात को निकलना पड़ता है घर से, तो मैं अपने किसी मेल डॉक्टर फ्रेंड को बोलती हूँ कि मेरे को भी साथ ले जाओ, क्योंकि अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसे हमारे कुछ वार्ड हैं, जैसे प्रिजनर वार्ड होता है, अलग अलग जगह टाइप के वार्ड होते हैं, वहाँ पर हमें कहते हैं कि तुम अकेले मत जाना, किसी साथी को लेके जाना। अगर पेशेंट चेक करना है या एसेस करना है ओटी से पहले, तो हमें बोलते हैं कि इस वार्ड में ना अकेले मत जाना, सेफ नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। ये अपने कई अस्पतालों का दिक्कत है, ये चाहे आप जितने भी गार्ड वगैरह रख लें, ये डर हर किसी को पहले से ही सताता है। अब बात ये होती है कि हम प्रशासन को बोलते हैं कि ये सुरक्षित करिए, हमारा सड़कें सुरक्षित करिए, हमें अब तो मतलब उम्मीद ही छूट गई है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन जैसा अस्पताल, हमारा एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कितने सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, अब ऐसे किसी अस्पताल के अंदर किसी महिला डॉक्टर के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो डर और बढ़ जाता है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर भी हम सेफ नहीं हैं, सड़कों का तो छोड़ो, हम अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर भी सेफ नहीं हैं। तो इसीलिए हम लोग बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जारी करा जाए, मतलब लाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट करा जाए। ये लॉज तो हम लोग लिख लेते हैं, बट कितनी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करती है सरकार, कितना इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिशियंस इंश्योर करते हैं, लॉज कितने आते हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। अब हम क्यों ऐसी दुर्घटना के लिए इंतज़ार करते हैं ताकि वो कुछ करा जाए उसके बारे में? तो ये हम बस चाहते हैं कि हम सुरक्षित महसूस करें, और इसी कारण बहुत सारे लोग इस देश को छोड़ के भी जा रहे हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि वो असुरक्षित हैं। अब ब्रेन ड्रेन तभी ख़त्म होगा ना जब हमारे इंडिया में, हमारे देश में ही सुरक्षित हम महसूस करें, सुरक्षा इंश्योर हो। तो यही हमारी डिमांड है कि ऐसे न्याय, इस दुर्घटना के बाद हमें न्याय मिले, ताकि बाद में ऐसी दुर्घटना बार बार ना हो, हमें बार बार सड़कों पे ना आना पड़े अपने हक मांगने के लिए। मैम क्या हाल है आपके? हाल तो बुरे ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर श्वेता सिंह परिहार। श्वेता जी, अब घर से कितने फोन आने लगे हैं, कहाँ की रहने वाली हैं वैसे? मैं रिवास की रहने वाली हूँ, मेरे पेरेंट्स अप्रॉक्स 600 किलोमीटर यहाँ से रहते हैं। घर से जो 2 फोन आते थे, आजकल वो 10 बढ़ चुके हैं इस दुर्घटना के बाद में। वो हर घंटे चेक करते हैं, नाइट ड्यूटीज़ होती हैं तो वो हमेशा बोलते हैं कि सेफ जगह पे रहिए, या तो किसी अपने मेल फ्रेंड के साथ रहिए, अपने कॉलिग्स के साथ रहिए, अकेले इधर उधर नहीं जाइए, अकेले वार्ड्स में किधर भी मत जाइए। तो जो इस दुर्घटना के बाद हमारे घर पे भी, उनको भी ऐसा लगने लगा है कि जब इंस्टीट्यूशन में ही सेफ्टी नहीं है, हम अपनी बच्ची को जब सेफ्टी नहीं है तो हम सर्विस कैसे करने दें, है ना? सेफ्टी के बिना तो सर्विस में नहीं हो पाएगा। मुश्किल से लड़कियों को घर से बाहर निकाला जाता है पढ़ाई के लिए, आगे लाएगा, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता की चिंताएं और लगभग बढ़ जाती हैं। इसके बाद तो और ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे इंस्टीट्यूशन में प्रोटेक्शन हो, हम सेफ फील करें, तभी तो हम सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे, अगर सेफ्टी वाला माहौल होगा। नहीं तो आगे की आपको लगता है कोई भी डॉक्टर, जो भी बच्चियाँ आगे मतलब एस्पायर कर रही हैं, डॉक्टर बनना चाह रही हैं, वो नहीं बनने की सोचेंगी कि अगर इंस्टीट्यूशन ही सेफ नहीं है, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करने की सोच भी रहे इस जनता को, अगर वो जनता या फिर वो सिटी हमारे लिए सेफ नहीं है तो। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप में कितना डर का माहौल बना हुआ है इस घटना के बाद? आप डर की बात कर रहे हैं, डर है, पर डर से ज़्यादा 2 इमोशंस और ज़्यादा हैं, वो है गुस्सा और शर्म। गुस्सा क्योंकि हमारे खुद के घर में आके हमारे पे हमला हो रहा है। अब इट्स नॉट कि हम बाहर हैं, जो भी लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे निकले, ये पहना, जो भी लोग बोलते हैं, अभी हम अपने घर में थे और अभी कल मेरी नाइट ड्यूटी थी। इट इज़ द फर्स्ट टाइम जब मुझे लगा कि क्या किसी और को होना चाहिए, क्या मैं किसी को बुला लूं। ठीक है, डर था बट गुस्सा ज़्यादा था, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। 18 टू 19 ईयर्स की एज से हम लोग हॉस्पिटल में ही रहते हैं, पहले MBBS में, फिर अब MS में। तो अब यहाँ पर जहाँ पर हम हंसते खाते हैं, रोते बैठते हैं, वहाँ पर भी हम सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो शेमफुल
कि इतना भी सरकार हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, एंड मोर देन दैट कि हमें इस एज में आफ्टर 78 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है जस्ट फॉर अ बेसिक ह्यूमन राइट कि बस मतलब इंसान देख लो, हमें भगवान छोड़ दो इंसान। तो इस तरह की घटनाएं भी जब मरीज के परिजनों से विवाद हो जाता है, वो अपशब्द कह देते हैं, इस तरह की कुछ घटनाएं तो आप घर में चर्चा भी नहीं करते होंगे, कई बार ऐसी घटनाएं भी हो चुकी होंगी आप लोगों के साथ? बिल्कुल होती हैं, लेकिन हमारे सीनियर्स है जो हमें हमारा साथ देते हैं, बट प्रशासन कोई साथ नहीं देती है। तो इसमें भी हमें खुद ही एम्पावर होना पड़ता है कि हम खुद से कुछ कुछ करें, वो वहाँ तक तो बात बहुत बाद में पहुँचती है। डॉक्टर्स के साथ पहली बार नहीं, आपने पूछा था कि पहले हम लोग क्यों सुरक्षा के लिए लड़े नहीं, डॉक्टर के साथ पहली बार नहीं, पहले भी सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा भयभीत रहते हैं, बिकॉज बहुत बहुत बार ऐसे होते हैं कि जनता जो है वो आक्रमित हो जाती है और जो सुरक्षा है गार्ड है हमारे वो भाग जाते हैं। तो ये पुरुष के लिए भी और महिला के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये स्ट्राइक और हमारी ये रैली और हमारा ये मुद्दा। अच्छा, फीमेल्स के साथ तो अक्सर डर बना ही रहता है, लेकिन मेल्स को भी कहीं ना कहीं जब परिजन हावी हो जाते हैं, एक बड़ा कोई घटनाक्रम हो जाता है, हालांकि डॉक्टर गलती कभी नहीं करता है, लेकिन जो उसकी किस्मत में लिखा है शायद वो मरीज के साथ होता ही है, तो उस समय कैसे आप उससे निपटते हैं और कितना उस समय डर अंदर रहता है आपके मन में, कैसा डर रहता है उस समय? हमारा ये आपने अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि सभी डॉक्टर, अभी फीमेल के साथ घटना हुई इसलिए हम फीमेल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा वर्क प्लेस ही ऐसा है, और पता नहीं ये बॉलीवुड का कल्चर है कि क्या है, ऐसा बना दिया गया है कि डॉक्टर एक प्रताड़ित है, उसको जाके हम मार सकते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ होगा नहीं। तो हमारा मेन मुद्दा ही यही है कि बाकी प्रोफेशन में तो आप नहीं कर सकते, आप जज को जाके नहीं मार सकते, आप पुलिस को जाके नहीं मार सकते, लेकिन डॉक्टर सबसे सॉफ्ट टारगेट है, मतलब उसको सब कर सकते, ये चीज़ हम फेस करते हैं, क्योंकि जो आते हैं ना असामाजिक तत्व है, नशेड़ी है, जो भी आते हैं उन लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि हम लोग उनके मतलब वो हैं स्लेव हैं या फिर मतलब वो नौकर हैं कि भाई हम जो करेंगे ये मानेंगे, तो ये हमारे साथ होता है। और हम लोग जब हमारी फीमेल्स महिला साथी हैं उनके साथ होता है तो हम लड़ते हैं जाके लिए, तो ये यही जो आप बोल रहे ना पहले नहीं हुआ, हमेशा होती रहती है घटनाएं, इसलिए गुस्सा सब में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमेशा होती रहती है, ये वेट नहीं कर सकते कि हम ऐसा होगा, जैसे आज कलकत्ता में हुआ है तो हम ये नहीं बोल सकते कि कलकत्ता में हुआ है, बंगाल में हुआ है, इसलिए हमारा कोई लेना देना नहीं। जो माननीय हाईकोर्ट का जो अभी कमेंट आ रहा है कि आप गलत है, वहाँ पे एक जज ने वकील ने एक याचिका लगाई है कि आपका कोई लेना देना नहीं, तो ऐसा नहीं होता है ना कि हम वेट करें कि हमारे MGM MY में भी ऐसी घटना हो तब हमारा खून खोलेगा। तो ये जो खड़े हैं जिनका खून खोल रहा है, जो गुस्से से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे हम लोग देखते रहते ऐसी चीज़ें होती रहती है, लेकिन जो प्रशासन है जो कर सकते हैं चीज़ें, और जो मतलब समाज को भी समझना चाहिए ये चीज़ें कि ये चीज़ें अगर होगी तो उनका इलाज कैसे होगा। कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहेगा, कोई किसी को बोलेगा नहीं कि आप अपने परिवार में, और सबसे बड़ी बात तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहले तो लोग जानते ही नहीं कि रेसिडेंट डॉक्टर होता क्या है, मतलब उसकी वर्किंग क्या होती है, वो 24 घंटे 36 घंटे जैसे मेरी महिला साथी ने बताया वहीं रहते हैं हम लोग, मतलब आप सोचो कौन ऐसा स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट है मेनली, हम स्टूडेंट है, लेकिन कौन स्टूडेंट है जो 36 घंटे ड्यूटी कर रहा है, जिसको 5 घंटे की नींद नहीं मिल रही है, एक टाइम खाना नहीं मिल रहा, उसके बावजूद उसके साथ ऐसी घटनाएं और ऐसी होती रहती है छोटी मोटी, तो कोई डिस्कस भी नहीं करता है। तो हम लोग इसी के लिए इतना सब गुस्सा है, लेकिन हम लोग को दबाया जाता है, हर जगह दबाया जाता है, आज भी यही हो रहा है, माननीय कोर्ट में एक आया है कि आप लोग क्यों कर रहे हो चीजें, आपको आना चाहिए, हमारा ड्यूटी सबसे पहले, इसलिए हमने इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखी है, फिर भी इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया जाता है, हमको हमेशा यही बोला जाता है कि आप हड़ताल वापस लो, हड़ताल वापस लो, अरे हम अगर सेफ रहेंगे तो हम जाएंगे ही नहीं हड़ताल पे, हम क्यों जाएंगे। तो यही आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये जो चल रहा है बहुत ही मतलब अभी जो भारत में जो है डॉक्टर के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है। आज जो हमारी साथी ड्यूटी कर रही है, अभी इमरजेंसी अभी भी चल रही है, आज भी हमारे डिपार्टमेंट आए मेरे साथी जो कर रहे थे, मतलब वो बिल्कुल सेफ फील ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब कुछ अच्छा होता है तो डॉक्टर भगवान बन जाता है, और अगर कुछ गलत होता है तो पल भर में ही वो डॉक्टर जो है वो एहवान नज़र आने लगता है, इस तरह की मानसिकता आती क्यों है व्यक्ति के अंदर? ये व्यक्ति के अंदर इस तरह की मानसिकता इसलिए आती है कि पहले तो लोगों को अपना परसेप्शन चेंज करना होगा कि डॉक्टर को भगवान मानना छोड़ दे, क्योंकि भगवान खुद भगवान ही है, डॉक्टर आप उन्हीं की तरह एक इंसान है, तो उनको इंसान ही रहने दो। डॉक्टर ट्रीट कर सकता है, अपनी पूरी कोशिश कर सकता है, लेकिन होना वही होता है जो प्रकृति को मंजूर होता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि वो इस तरह से डॉक्टर को भगवान के रूप में ना माने, क्योंकि जब डॉक्टर भगवान जैसा काम नहीं कर पाता है, नहीं बचा पाता है जो उसके हाथ में नहीं होता है, तो लोगों की सोच होती है जो वो चेंज हो जाती है, और लोगों को डॉक्टर में हैवान नज़र आने लगता है। अच्छा, आप कितना डर महसूस करते हैं आप इलाज करते वक्त, कि जब इलाज कर रहे हैं किसी पेशेंट का, उसके परिजन साथ में, कई बार हंगामे की स्थिति हो जाती है और बड़ी संख्या में परिजन पहुंच जाते हैं, तो कितना डर महसूस होता है आपको? डर तो हमेशा ही रहता ही है, मतलब अगर बहुत संख्या में नहीं हो, चाहे वो एक दो भी अगर रहे परिजन,
तब भी डर रहता है क्योंकि हमने अपने आसपास देखा है लोगों को कि एक परिजन भी अगर है तो साथ में चाकू लेकर आ गया है। गार्ड कोई मतलब किसी को पता ही नहीं है कि उसके पास क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो डर तो रहता ही है, बट फिर भी हम अपने आप ही लड़ रहे हैं, कोई हमारा साथ दे नहीं रहा है। आसपास जब तक आप बोलोगे किसी को बताओगे तब तक आपके साथ हादसा हो चुका होगा, तो ये डर का माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसे करके कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में डर का ऐसा माहौल तो है ही नहीं, सिर्फ ये डॉक्टर वाले प्रोफेशन में ही है। तो अगर ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली आगे फिर कोई भी डॉक्टर नहीं बनेगा, जैसे बाकी लोगों ने बोला कोई नहीं बनना चाहेगा। मैं आगे अपने भाई बहनों को नहीं बोलूँगी कि आप आगे बढ़ो डॉक्टर बनो, नहीं बनो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल रहता है, अगर कड़े कानून नहीं बनते तो शायद ही कोई परिवार में डॉक्टर बनाना चाहेगा। क्या हाल है आपके? जी जैसा सबने बताया हाल तो बुरे ही हैं। जो महिला का बेसिक अधिकार है उसके लिए भीख मांगनी पड़ रही है गवर्नमेंट से, जो पिछले 6 दिन से हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, रेप की घिनौना अपराध है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा, प्लस कड़ी से कड़ी सज़ा मिले लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड होना चाहिए कि इस टाइम ड्यूरेशन तक रेप की सज़ा दी जाएगी। ये घिनौना क्राइम है, बढ़ता जा रहा है, रेप करने वाले देख नहीं रहे हैं, वर्क प्लेस नहीं देख रहे हैं, एक डॉक्टर जो पूरी सोसाइटी को सर्व कर रहा है, जैसे आपने कोविड में भी देखा डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, सबने मिलकर साथ में कोविड से बाहर निकाला है लोगों को। कोविड से बाहर निकालने के बाद अभी भी लोगों की सोच यही है, समाज की सोच यही है कि महिला पे बहुत इजीली हाथ डाला जा सकता है। ये तो रेप की घटना है, आप अगर छोटी मोटी घटना जो महिला के साथ होता है, दुर्व्यवहार होता है, उनको काउंट करने लगोगे अनगिनत केस मिलेंगे आपको। आप किसी भी रैंडम महिला से पूछ लीजिए, उन्होंने लाइफ टाइम में ये एक्सपीरियंस हमेशा किया है। ऐसा अपने ही देश में क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आता है। कड़ी कानून गवर्नमेंट क्यों नहीं बना सकती? रेपिस्ट लोग हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोग हैं, ये अपने देश को भी आगे ले जाने में इनका कितना योगदान है, अपने रिसोर्सेज ही ख़त्म कर रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं है देश को आगे लाने में। एक वोट बैंक है ये नेताओं के लिए, इसके अलावा इनका कोई रोल नहीं है सोसाइटी में। ये लोग ऐसे कर रहे हैं फिर भी गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में कोई भी कड़ा नियम नहीं ला रही है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट पे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 दिन हो गए इस इंसिडेंट्स पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 1500 गुंडे उसके जब सब कुछ वैंडलाइज कर चुके हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग तोड़ चुके हैं, जहाँ यहाँ घटना हुई उसको जला दिया गया है, जो डॉक्टर की कार में बताए जा रहे हैं कि इससे रिलेटेड उनके पास कोई जो स्कैंडल चल रहा है वहाँ उससे रिलेटेड कुछ सबूत थे तो उस कार भी वैंडलाइज कर दी गई है। मॉब को आप टारगेट दे के भेज रहे हो कि आपको क्या तोड़ना है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि मॉब ऐसे ही घुस गया था, ये प्लान्ड चीज़ें थी, सरकार को पता नहीं था, पुलिस को पता नहीं था, क्योंकि आँखें बंद कर रखी है जानबूझ के, सब कुछ सुन रही रहे हैं। वो होने के बाद में ममता बनर्जी दीदी आई हैं रोडों पे महिला के लिए, खुद से ही अब समझ में नहीं आ रहा हूँ किसके अगेंस्ट में कर रही हैं हड़ताल। वहाँ की CM खुद एक महिला हैं, अपने राष्ट्रपति जी हैं महिला हैं, तो महिलाओं की सेफ्टी को अगर इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। महिलाएं अपने समाज में शुरू से ही बहुत दबा के रखी गई हैं, कुछ प्रोफेशन है जिनमें महिलाएं आगे आ रही है, जिसमें से एक डॉक्टरी भी एक प्रोफेशन है जिसमें महिलाएं आगे आके काम कर रही हैं। मेल से ज़्यादा रोल शायद फीमेल्स का है डॉक्टरी में, हेल्थ केयर वर्किंग में, तो उनको उस जगह पे भी दबाया जा रहा है। तो आई गेस कि ये महिलाएं जो अपने घर थी वो ज़्यादा बेटर थी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से यही उम्मीद नहीं है हमारी, केंद्र सरकार से भी हमारी यही उम्मीद है, अब क्योंकि बंगाल सरकार से हमारा कुछ बचा नहीं है, कि केंद्र सरकार डॉक्टर के लिए कौन से एक्ट की आप मांग कर रहे हैं अभी? हम CPS सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी मांग कर रहे हैं बेसिकली, जिसको पहले भी इसकी डिमांड की गई है, ऐसा नहीं है कुछ स्टेट्स में भी अलग से है, लेकिन सेंटर के लेवल पे इससे रिलेटेड कुछ भी अभी है नहीं, प्रावधान कुछ भी नहीं है। कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए लोगों को जो डॉक्टर्स के साथ में असोल्ट करे वर्क प्लेस पे, जैसे किसी और प्रोफेशन में होता है आप ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को टच नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, सभी प्रोफेशंस में ऐसा है, सिर्फ एक हेल्थ केयर वर्किंग को छोड़ के। तो ये इसीलिए लोगों को शायद ये चीज़ें पता है लोगों को, तो ये लूप होल है ये सिस्टम का, जो लोगों को पता लग गया है इसलिए उनको बहुत ईजी टारगेट लगता है डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर। बिल्कुल, कोलकाता में हुई घटना के बाद डॉक्टर्स जो हैं वो अब प्रोटेक्शन एक्ट की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र अगर डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करता है तो शायद इस तरीके की घटनाओं पर लगाम जरूर लग सकेगी। इसके साथ ही जो रेसिडेंट महिला डॉक्टर हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं इस घटना के बाद एक डर का माहौल बना हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है, और उनके परिजनों के अंदर भी ये माहौल डर का साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।